25,000 के इनामी हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया। नरैनी थाने की दो अलग अलग हत्याओं में वांछित था। हत्या के मामले के दो आरोपी पहले ही जा चुके जेल। बांदा पुलिस इन दोनों अपराधियों पर भारी पड़ती नजर आ रही। गुरुवार को बांदा पुलिस ने जहां माफिया डॉन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के हमदर्द 50,000 के नामी बदमाश वहीद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करके शाबाशी हासिल की, वहीं शुक्रवार को दो अलग अलग हत्याओं में वांछित 25,000 के नामी बदमाश शिवरंजन द्विवेदी को दबोचने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया, मई 2021 में नरैनी क्षेत्र में करतल में पैतृक भूमि के विवाद में चचेरे भाई ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर चुनूबाद यादव की हत्या कर दी। वहीं हत्या में शामिल अपने एक साथी बबलू मिश्रा को जुलाई माह में मौत के घाट उतार दिया। मामले में दो आरोपी प्रमोद निषाद और केशव यादव को पुलिस ने 6 अगस्त 2022 को जेल भेजा, जबकि मामले में फरार चल रहे आरोपी शिवरंजन द्विवेदी पर 25,000 का इनाम घोषित। शुक्रवार को नरैनी पुलिस ने करतल के बिलहरका मोड़ से शिवरंजन द्विवेदी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बांदा से ओम प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज जनपद बांदा की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना नरैनी में 2021 में दो हत्याएं हुई थी, एक 31 मई को हुई थी और एक 10 जुलाई को हुई थी। इन दोनों हत्याओं में जो वांछित था उसको आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इसके विरुद्ध पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश भी जारी किया गया था। उसके बाद से ही लगातार हम लोगों की जो टीमें हैं, सर्विलांस की टीमें तथा लोकल मुखबिरी के माध्यम से भी टीमें लगी हुई थी, और इसी क्रम में आज इस 25,000 रुपये के इनामी व्यक्ति को, जो कि रहने वाला करतल का है, उसको आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसमें हम लोग प्रभावी पैरवी कर जल्दी से जल्दी इसको सजा कराने की प्रयास करेंगे।